हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय ओन स्टाइल। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको मैट्रेस स्टिच के बारे में बताने जा रही हूँ। मैट्रेस स्टिच यह स्वेटर के दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए होता है। यह स्टिच देखने में इनविजिबल होता है, इससे पता नहीं चलता कि आपने कहाँ पे स्वेटर को सिला है। इसमें मैंने सैम्पल के तौर पर दो पीस लिए हैं और इसे मैं वर्टिकल स्टाइल पर सिलूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने साइड बैक साइड से निडल को एक लेग छोड़ करके निकाला है और इसी तरह से दूसरे पीस में से भी मैंने एक लेग छोड़ करके निडल को निकाला है। फिर वापस मैं अपने फर्स्ट पीस पे गई हूँ और उसमें मैंने एक स्टिच यानी एक फंदा छोड़ करके मैंने सुई को निकाला। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से अपने स्टिच में से निडल को निकालेंगे इस तरह से। फिर वापस बैक उसी पीस पर यानी फर्स्ट पीस पर जा करके और हम एक फंदे में से इस तरह से अपनी सुई को निकालते हुए स्टिच करेंगे और इसी तरह से हम अपनी सारी स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हर फंदे में से अपनी नीडल को निकाला है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने दोनों पार्ट से अपनी नीडल को निकालते हुए स्टिचिंग करेंगे और धागे को हमने ज़्यादा नहीं खींचना है, बस उतना ही जितने में ये धागा नज़र ना आए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपनी सारी स्टिचिंग को कंप्लीट कर लेंगे। हमने हर स्टिच से नीडल को निकाला है और देखिए फ्रेंड, ये स्टिच इनविजिबल है और कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है कि आपने इसको सिला है। स्वेटर में मैट्रेस स्टिच से जॉइनिंग करने पर यह पूरी तरह से इनविजिबल होता है और आपको कहीं से भी नहीं लगता कि इसमें स्टिचिंग या सीमिंग की गई है। तो फ्रेंड्स, इस स्टिच में सीमिंग कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है, ये पूरी तरह से इनविजिबल है। और फ्रेंड्स देखिए, ये दिखने में भी कितना अच्छा लगता है, इसमें कहीं से भी आपको अपनी सीमिंग नज़र नहीं आती है। और ये एक ही पीस लगता है।
फ्रेंड्स देखिए ये दिखने में भी कितना अच्छा लगता है, जैसे आपने राइस स्टिच ही पूरा बनाया है। फ्रेंड्स ये रहा हमारा मैट्रेस स्टिच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए।